उत्तर प्रदेश के अंबेडकर नगर थाना बसखारी अंतर्गत टांडा बसखारी हाईवे पर बड़ियानी कलाकार के पास गाड़ी चेकिंग के दौरान सामने से आ रही कार को पुलिस स्वाट टीम द्वारा रुकवाने का प्रयास किया गया, लेकिन कार चालक ने गाड़ी रोकने में असफल रहा। थाना बरखारी व स्वाट टीम द्वारा घेराबंदी गाड़ी को कब्जे में लेकर चेकिंग करते हुए कुछ अन्य पदार्थ 8 बंडल में 25 किलो 500 ग्राम गांजा बरामद हुआ। यह सेंट्रो गाड़ी गांजा सहित गिरफ्तार कर ली गई है, जिसमें तेज बहादुर पुत्र शिव करड़ व राम अक्षयवर यादव निवासी सरैया थाना कूरे भार व पुष्पा पत्नी स्वर्गीय संतराम निवासी रामडीह थाना बसखारी के रहने वाले अभियुक्त को पुलिस के अथक प्रयास से 8 बजे गिरफ्तार कर मुकदमा पंजीकृत कर जेल भेजा गया है। देखिए, पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देश के क्रम में एक अभियान चलाया जा रहा है जनपद में। पूरी तरह वो बॉर्डर पे हम चेकिंग लगा रहे हैं, रात्रि में ऑपरेशन सत्यापन का अभियान कराया जा रहा है। इसी क्रम में आज स्वाट टीम और जो बसखारी पुलिस की टीम है, ये ज्वाइंट रूप से ऑपरेशन में चेकिंग कर रही थी। इसी दौरान एक गाड़ी आती हुई दिखाई दी, जब इसको रोका गया तो इसमें 3 अभियुक्त जो आपके सामने है, 2 पुरुष 1 महिला, ये गिरफ्तार किए गए। इनके पास से लगभग 25 किलो गांजा बरामद हुआ है। प्रारंभिक पूछताछ में ये बहुत बड़ा नेक्सस है, एक रैकेट है। ये रैकेट जो है आंध्र प्रदेश उड़ीसा से ये गांजा लाता है और महिलाओं के जरिए ये सप्लाई की जाती है, जिससे आसपास अगर महिलाएं गाड़ी में हों तो पुलिस नॉर्मली फैमिली का मेम्बर समझ करके पुलिस चेकिंग नहीं करती है। लेकिन ये पकड़े गए हैं, इनके विरुद्ध जो अभियोग पंजीकृत किया गया है, इनके आपराधिक इतिहास की जानकारी कर भी की जा रही है। ये लोकल लेवल पे कहाँ पे सप्लाई करते थे, किस माध्यम से, हमारी टीम उस पर भी काम कर रही है और जो आंध्र प्रदेश से जो नेक्सस जुड़ा हुआ है उस पर भी हम काम कर रहे हैं। सर, इनकी गाड़ी का नंबर HR आ रहा है, तो क्या हरियाणा में भी इनका व्यवसाय चल रहा है? देखिए, जो उड़ीसा और आंध्र प्रदेश से इस प्रकार का जो होता है, इसमें गाड़ियों पर बाहर की गाड़ियाँ यूज़ की जाती हैं या गाड़ियों पे फर्जी नंबर प्लेट लगा करके इस तरह का व्यवसाय करते हैं। हम गाड़ी का परीक्षण भी करा रहे हैं। देखते रहिए DB भारती समाचार, नजर हर खबर पर।